अध्याय 11 मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा के, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथरवाह करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत सी यहूदी मर्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। मर्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मर्था ने उससे भेंट की थी।
तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और ये समझकर कि वो कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना ये कि सारी जाति नाश हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल इस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राहीम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों का फसह निकट था और बहुतेरे लोग
फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ लें।